तो मुनावर फारूकी ने बिग बॉस के घर में बेची लाइव की सबसे महंगी टिकट्स। जी हाँ, मुनावर फारूकी काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आपको आपका फेवरेट काम करने का मौका मिले तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो और उसको शिद्दत से भी करते हो। तो मुनावर को जब यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिला तो वो काफी खुश हुए। वेल, ये जो टास्क था ना वो आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ कंटेस्टेंट के पास मौका था यहाँ पर लग्जरी राशन लेने का, तो दूसरी तरफ मुनावर के शो की टिकट खरीदने का। लेकिन पूरे 10 लोगों ने मुनावर के शो की टिकट खरीदी और उनके लिए ये टिकट खरीदना पैसा वसूल था, क्योंकि जम करके वो हंसे, इतना हंसे जितना बिग बॉस के घर में अभी तक कि वो कभी भी नहीं हंसे। फिलहाल यहां पर हर कोई मुनावर की कल से तारीफ तो कर रहा है, कल रात विकी भी जम करके तारीफ करते हैं, जिसके बाद मुनावर कहते हैं कि लाइव का सबसे महंगा टिकट बेचा, वो भी कहां जहां बिके ना। और यहां पर विकी कहते हैं कि मतलब मजा आ गया, अनरियल था। और खानजादी कहती है कि तेरे लिए तो कॉफी भी कुर्बान है। मुनावर कहते हैं कि हाँ, बाहर आना, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी देखने मजा आ जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर जो है ना, विकी कहते हैं कि हाँ, तूने मुझे बोला था कि मतलब मैं स्टेज पर होता हूँ ना तो अलग ही होता हूँ, वो चीज दिख रही थी, मतलब कहाँ पर तुझे पॉज लेना है, कहाँ पर क्या बोलना है, सब कुछ मतलब तुझे पता है अच्छी तरीके से, और हमारी बेइज्जती हो रही है लेकिन हमको अच्छा लग रहा है। जिसके बाद बिग बॉस को मुनावर थैंक यू करते हैं और खानजादी को गले से लगाते, हग करते, विकी को यहाँ पर कहते हैं थैंक यू, तुम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल कल मुनावर काफी ज्यादा खुश हुए और आज के एपिसोड में मुनावर की जनता काफी खुश होने वाली है जब देखने वाली है मुनावर का कॉमेडी शो। थैंक यू।